मध्य प्रदेश स्थायी कर्मी कल्याण संघ लंबित मांगों को लेकर सरकार से नाराज है। संघ द्वारा अपनी लंबित मांगों को लेकर लगातार सरकार को अवगत कराया जा रहा है, बावजूद इसके अभी तक उनकी लंबित मांगों का सरकार ने कोई निराकरण नहीं किया है, जिससे नाराज होकर मंगलवार को प्रदेशभर से आए स्थायी कर्मियों ने साइकिल स्टॉप स्थित प्रधान वन मुख्यालय पहुंचकर धरना प्रदर्शन करते हुए लंबित मांगों का ज्ञापन मुख्य वन संरक्षक को सौंपा। इस ज्ञापन में सात सूत्रीय मांगों को लेकर मध्य प्रदेश स्थायी कर्मी कल्याण संघ ने अपनी आवाज बुलंद की। आज मध्य प्रदेश स्थायी कर्मी कल्याण संघ के नेतृत्व में वन विभाग के दैनिक वेतन भोगी सुरक्षा श्रमिक स्थायी कर्मियों की मांग को लेकर प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन बल प्रमुख को ज्ञापन देने हम लोग इकट्ठा हुए हैं। यहाँ पूरे प्रदेश के कर्मचारी प्रतिनिधि आए हैं। हमारी संख्या 48,000 स्थायी कर्मियों की है और 30,000 सुरक्षा श्रमिक हैं। यहाँ मेन समस्या है कि सुरक्षा श्रमिकों को मैदानी अमला जो है मनमानी जो तनख्वाह देता है, कभी 5,000 कभी 3,000, जबकि नियम के तहत श्रमिक द्वारा निर्धारित वेतन सबको मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा। इनकी कोई सीनियरिटी लिस्ट नहीं है, अधिकारी जब चाहे जब हटा देते हैं। जब तक इनका शोषण करेंगे, अगर वो शोषण का विरोध करेंगे तो उनकी सेवा समाप्त कर दी जाती है। और सीनियरिटी नहीं है, जंगल में गश्ती के दौरान इनको हिंसक जानवर से दुर्घटनाग्रस्त होते हैं तो ना इनकी कोई लिखित ड्यूटी होती, तो विभाग बड़े साफ शब्दों में कह देता कि हमारी ड्यूटी में लकड़ी काटने जंगल का आम आदमी था। और फिर जब हम धरना आंदोलन कर तब जाकर उनको क्षतिपूर्ति भत्ता मिलता है। तो मेरा मानना यह है कि हम आज डीजी साहब से मिलते हैं, इनका जो श्रमिक दर का वेतन है वो दिया जाए और इनकी बकायदा सीनियरिटी बनाई जाए, मनमानी तौर से इनकी सेवाएं समाप्त न की जाएं और कार्य के 8 घंटे तय किए जाएं और इनकी ड्यूटी जहां भी लगाई जाए लिखित रूप में लगाई जाए, ताकि प्रूफ रहे कि ये लोग यहां पे ड्यूटी में हैं। इन सभी मांगों को लेकर आज हम यहां, और स्थायी कर्मियों को जो वर्दी दी जा रही है, पहले खाकी कलर की मिलती थी, विभाग के सभी मैदानी अमले की खाकी वर्दी है, लेकिन हमारे स्थायी कर्मियों को ग्रीन कलर की वर्दी देने का निर्णय लिया गया है, तो वो उसको गलत है, सभी उसका विरोध करते हैं, वो खाकी कलर की ही दी जाए। इन सभी मांगों के लेके आज हम अपने राज्य कर्मचारी संघ के प्रांत अध्यक्ष हेमंत श्रीवास्तव जी के नेतृत्व में ज्ञापन देने जा रहे हैं। जिंदाबाद।